ऑस्ट्रेलिया ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 4-0 से हराकर 35वीं बार एशेज पर कब्जा जमा लिया है। 271 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम ने इंग्लैंड को सिर्फ 124 रन पर आउट कर दिया। अपनी दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को 155 रनों पर समेटने के बाद इंग्लैंड ने होबार्ट टेस्ट के तीसरे दिन 271 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मजबूत शुरुआत की, लेकिन कैमरॉन ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापस लाने में मदद की। उन्होंने दूसरी पारी में इंग्लैंड के शुरुआती 3 विकेट झटक कर शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद इंग्लैंड का निचला क्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। टीम ने 23 रन के अंदर अपने 5 विकेट गंवा दिए। पैट कमिंस, स्कॉट बॉलैंड और कैमरॉन ग्रीन के 3-3 विकेटों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 146 रन से पीटकर मैच के साथ इस सीरीज को भी 4-0 से अपने नाम कर लिया। वहीं आपको याद दिला दें, ऑस्ट्रेलिया चौथा टेस्ट भी सिर्फ 1 विकेट से नहीं जीत पाया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी को सस्ते में निपटाने में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड, जिन्होंने 37 रन पर 6 विकेट लिए, और स्टुअर्ट ब्रॉड, जिन्होंने 51 रन पर 3 विकेट लिए, ने अहम भूमिका निभाई और अपनी टीम के लिए जीत की उम्मीद जगाई थी। लेकिन जीत के लिए 271 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की दूसरी पारी 38.5 ओवर में सिर्फ 124 रन पर सिमट गई और उसे करारी हार का सामना करना पड़ा।